डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी जिसमें मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आप एक्सेल पे जर्नल जर्नल और ट्रायल बैलेंस किस तरह से बना सकते हैं, तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी। और अगर नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि आज की वीडियो में हम क्या और कैसे करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को, और आज की वीडियो में हम अपने उसी सवाल से यानी उसी डाटा से आज हम बनाने जा रहे हैं जर्नल लेजर को। ठीक है, जर्नल लेजर के लिए मुझे ज़रूरत है जर्नल जर्नल की। ये जर्नल जर्नल जो इस वक्त मेरे पास बना हुआ है, इस जर्नल जर्नल की मदद से मैं बनाना चाहता हूँ जर्नल लेजर। ठीक है, तो इससे अगर जर्नल लेजर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तरीक़ार ये है कि इस टेबल पर आइए, और इस टेबल पर आने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है इस टेबल के हेडर पर, यहाँ पर जो हेडिंग डली हुई, यहाँ पर आने के बाद इंसर्ट, और इंसर्ट में लिखा हुआ है पिवट टेबल। इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आपने इस पर क्लिक किया, उसने सेलेक्ट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मुझे इस डाटा से टेबल बनाना है। आपने बोला जी हाँ बिल्कुल ठीक है। वो कहता है न्यू वर्कबुक, एक नई वर्कबुक में, यानी कि यहाँ पर एक और मैं शीट ऐड कर दूँ उसमें बनाना है, या एग्जिस्टिंग शीट, या इसी जगह पर कहीं बनाना है। आपने बोला नहीं, यहाँ पर बहुत खिचड़ी पक जाएगी, यहाँ मत बनाओ, कहीं नई शीट पर बना दो। तो ओके कर दीजिए, ये एक नई शीट आपके सामने हो पाई। इसको पहले नाम दे दीजिए जनरल लेजर का। ठीक है, अब आइए, बहुत ध्यान से सारी बातें समझिएगा। हो सकता है कि ये आपके पास इस तरह से शो ना हो रहा, क्योंकि मैंने इसका जो है वो डिज़ाइन, वो सॉरी जो इसकी शक्ल वक़ल है वो थोड़ी सी चेंज कर दी थी, तो ये आपके पास शायद ऐसे शो रहा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले अकाउंट टाइटल पर चेक कीजिएगा, फिर डेट पे, फिर डिस्क्रिप्शन पे, फिर डेबिट पे, फिर क्रेडिट पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर चेक की, तो सारी तो कुछ अजीब ही बन गया, ये तो बिल्कुल अजीब बन गया। एक काम कीजिए, ये करने के बाद यहाँ पर आइए। अच्छा, इसके बाहर मत जाइएगा, जैसे आप इसके बाहर जाएंगे ना टेबल ख़त्म, ये टेबल सिर्फ यहाँ तक है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिज़ाइन, डिज़ाइन पर आइए, और डिज़ाइन पर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिपोर्ट लेआउट। इस रिपोर्ट लेआउट को कर दीजिए शो इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में क्लिक किया, ये इस शक्ल में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो कीजिएगा। इसको यहाँ पे आइए और इसको थोड़ा सा यूँ कर दीजिए, अब इसका काम ख़त्म हो गया, थोड़ा सा रख दीजिए, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, यहाँ पर आपको रॉ में देखिए आपको ये पांच चीज़ें आ रही है, अकाउंट टाइटल, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट टाइटल को छोड़कर डेट पे यहाँ पर एरो पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लिखा है फील्ड सेटिंग। फील्ड सेटिंग में इसको जाकर यहाँ पे कर दीजिए नन, और इसे कर दीजिए ओके। इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन में जाइए, फील्ड सेटिंग, और इसे कर दीजिए नन। ठीक, अच्छा, इसके बाद जो डेबिट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस डेबिट को उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाइए, और इस क्रेडिट को भी उठाकर यहाँ लेकर आ जाइए। ठीक, अच्छा, यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट, लिखा हुआ है काउंट ऑफ डेबिट, काउंट नहीं करना, हमें इसका सम चाहिए, तो यहाँ पर कीजिए क्लिक, फील्ड सेटिंग पे जाइए, और यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट, काउंट के बजाय इसे कर दीजिए सम, और इसे कर दीजिए ओके। इसी तरीके से क्रेडिट में जाइए, फील्ड सेटिंग में जाइए, यहाँ पर भी काउंट सेलेक्ट हुआ है, इसे भी कर दीजिए सम, और इसे कर दीजिए ओके। ठीक है, अच्छा, एक और काम कर लीजिए साथ साथ, फिर दोबारा से इसमें जाइए, फील्ड सेटिंग में जाइए, और यहाँ पर नंबर फॉर्मेट पर जाइए, नंबर फॉर्मेट के बाद उसको यहाँ पे कर दीजिए अकाउंटिंग, डेसिमल प्लेसेस नहीं चाहिए, सिंबल अगर आपको चाहिए तो दे दीजिए, नहीं चाहिए तो ओके, इसे कर दिया ओके, और इसे भी कर दिया ओके। ठीक, इसी तरीके से क्रेडिट में भी ये काम कर दीजिए, फील्ड सेटिंग में जाइए, नंबर फॉर्मेट में जाइए, अकाउंटिंग नो डेसिमल प्लेसेस आर रिक्वायर्ड, नन, देन ओके, एंड देन ओके। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसका नाम आप यहाँ पर चेंज करना चाहें तो अब इसका नाम आप चेंज कर दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए डेबिट, और डेबिट के बाद स्पेस दीजिएगा। अगर आपने सिर्फ डेबिट लिख के एंटर किया, वो एरर दे देगा कि आप उनके नाम को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप उनके दिए हुए नाम को चेंज करना चाहते हैं तो एक स्पेस दे दीजिए बस। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर लिख दीजिए क्रेडिट और एक स्पेस, एंड देन एंटर। ठीक है, ये हो गया आपके पास कुछ हिसाब किताब। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, ये बहुत खिचड़ी पकी हुई है, सब एक साथ मिक्स हो रहा है। यहाँ पर जाइए अकाउंट टाइटल में, और अकाउंट टाइटल में फील्ड सेटिंग के पास जाइए, फील्ड सेटिंग में यहाँ पर लिखा हुआ लेआउट एंड प्रिंट, और यहाँ पर लिखा हुआ इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, इस पर चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब
एक लाइन का इजाफा हो जाएगा बीच में, सही। जैसे इसके बाद ये अकाउंट पेबल, उसके बाद एक लाइन का इजाफा, फिर ये बैंक, फिर कैपिटल, फिर कैश, सब के बाद एक लाइन का जो है वो इजाफा होता चला गया, ठीक है। ये आपके सामने जो है वो कुछ चीज़ें हमने बना ली। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो डिज़ाइन में जाइए और जो आपको मुनासिब लगे आप वैसे कर लीजिए इसका डिज़ाइन, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन बनाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ही बना सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे। तो कैसे अच्छा लग रहा है, मुझे तो कैसे भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, चल ऐसे कर लेते हैं फ़िलहाल। बहुत अजीब सा लग रहा है ये मैसी। चलो भाई कोई सेलेक्ट भी कर लो यार। चलो तो ये जो ब्लू लाइन है ये वाली, ये टोटल को शो कर रही है, ठीक है, ये टोटल को शो कर रही है, ओके। ये आपके पास जो है वो लेजर्स शो हो रहे हैं, ठीक है। ये अकाउंट पेबल का लेजर है। अच्छा ये लेजर, अब सर हमने तो लेजर ऐसे नहीं पढ़ा, बेशक आपने लेजर ऐसे नहीं बनाया, लेकिन लेजर की दो साइड्स होती हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। तो ये अकाउंट पेबल का लेजर है, ये इसकी क्रेडिट साइड है, ये इसकी डेबिट साइड है, ठीक है। ये दोनों साइड का टोटल शो हो रहा है, और जो इनका डिफरेंस होगा जाहिर सी बात है वो बैलेंस क्या लाएगा, वो बैलेंस भी अभी हम मालूम करेंगे, उसकी परेशानी भी बिल्कुल ना लेगा, ठीक है। तो ये इसी तरीके से लेजर्स बने हुए हैं इनके, ठीक। अच्छा अब यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको यहाँ पर मार्जिन सेंटर कर दीजिए, और यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए जनरल लेजर, ठीक है। ये हमने लेजर्स बनाए हैं यहाँ पर। अच्छा अब कुछ काम आपको यहाँ पर और करने हैं। क्या काम आपको यहाँ पर और करने हैं, जैसे यहाँ पर बैलेंस शो नहीं हो रहा मुझे कि सर बैलेंस कितना है, तो बैलेंस के लिए आपको क्या काम करना है। बैलेंस के लिए आपको एक काम यहाँ पर करना है जो एक्यूरेट तो नहीं शो होगा, लेकिन आपको एंडिंग बैलेंस वहाँ पर शो हो जाएगा। एनालाइज पे जाइए, और एनालाइज पे जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड आइटम एंड सेट्स, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टम फील्ड। कस्टम फील्ड पे आने के बाद यहाँ पर नाम दीजिए बैलेंस का, ठीक है। बैलेंस पे आने के बाद ज़ीरो को रिमूव कर दीजिए, इज इक्वल टू रहने दीजिएगा। बैलेंस कैसे मालूम करना है कि डेबिट पे डबल क्लिक कीजिए, डेबिट माइनस क्रेडिट, कि डेबिट में से क्रेडिट को माइनस कर दीजिए, ठीक। इसे कर दीजिए ऐड, और इसे कर दीजिए ओके, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए बैलेंस, और इसके बाद एक स्पेस दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बैलेंस शो हो रहा है, यानी इसका बैलेंस जो है वो अकाउंट पेबल का बैलेंस नेगेटिव में शो हो रहा है 20,000। इसी तरीके से बैंक का बैलेंस जो है वो प्लस में शो हो रहा है 40,000। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट में शो हो रहा है 5 लाख। अच्छा यहाँ पे जो ये वाले बैलेंस है इसको मत देखिएगा, वरना आपको गलत जो है वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि यहाँ पर जो है वो सर अकाउंट पेबल का बैलेंस 10,000। नो, अकाउंट पेबल का बैलेंस 10,000 नहीं है, अकाउंट पेबल का यहाँ पर जो बैलेंस है वो 20,000 है, ठीक। तो ये जो ऊपर वाले बैलेंसेज हैं, ठीक है, इन्हें इग्नोर कर दीजिए, और चाहें अगर आसान तरीका चाह रहे हैं आप तो इनको सेलेक्ट करने के बाद और इसको कर दीजिए वाइट। क्या बात है, जीनियस हो गया, अब तो इसे कर दीजिए वाइट, सही है। तो अगर इसे हम वाइड कर देंगे तो अच्छा लगेगा, बैलेंस सिर्फ हमारा ये शो होगा, ऐसे मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बैलेंसेस शो हो रहे हैं। अब अगर कोई वैल्यू माइनस में शो हो रही है तो इसका मतलब वो बैलेंस जो है वो क्रेडिट में है, और अगर कोई वैल्यू जो है वो माइनस में शो हो रही है तो वो बैलेंस क्रेडिट में है, और अगर कोई वैल्यू प्लस में शो हो रही है तो वो वैल्यू डेबिट में है। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, यानी कि जर्नल जब आपको मैंने ट्रायल बैलेंस समझाया था तो उस वक्त मैंने आपको ये बात बता दी थी कि अगर माइनस में कोई वैल्यू शो हो रही है इसका मतलब वो वैल्यू जो है वो क्रेडिट में है, और अगर कोई वैल्यू प्लस में शो हो रही है तो इसका मतलब वो वैल्यू जो है वो डेबिट में, ठीक है। तो ये इस वक्त आपका जो ट्रायल बैलेंस है, सॉरी जो जर्नल लेजर है, उसके दोनों साइड्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। ये इसका बैलेंस है, ये इसका बैलेंस है, ये इसके बैलेंसेज है, इसका बैलेंस माइनस में, यानी इसका बैलेंस क्रेडिट में है, ठीक है। अच्छा अगर हम कोई एंट्री करते हैं जर्नल जर्नल में तो क्या इस पर इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं एंट्री करना चाहता हूँ, किस में करना चाहता हूँ, मैं बैंक में और अकाउंट पेबल में एक एंट्री करना चाहता हूँ, कि अकाउंट पेबल को मैं और डिक्रीज़ करना चाहता हूँ और बैंक को भी डिक्रीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। आइए एंट्री करके देखते हैं, हम यहाँ पर जर्नल जर्नल पे चलते हैं, और ये जर्नल जर्नल बना हुआ था हमारे पास, ठीक है। और मैं एंट्री बनाता हूँ 18/12 की, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ चेक इशूड टू सप्लायर। चेक इशू किया है तो अकाउंट्स पेबल मस्ट बी डेबिटेड,
सपोज 10,000 से मैंने इसकी पेमेंट की है, डेट कॉपी की, और बैंक जो है वो क्रेडिट होना चाहिए, नरेशन कॉपी 10,000, ठीक है। ओके, चेक करते हैं जर्नल लेजर पे इसका इफेक्ट पड़ा। नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसका, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस पे इफेक्ट डालने के लिए आप पहले अपने इस पिवट टेबल पे आइए, इस पे राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर लिखा हुआ रिफ्रेश, इसे रिफ्रेश कर दीजिए। ये यहाँ पे इसका इफेक्ट आ गया, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इसको वाइट कलर से हाईलाइट नहीं किया था, तो इसे ये बिल्कुल शो करेगा यहाँ पर, ठीक है। इसे भी वाइट कलर से कर दीजिए और इसे भी वाइट कलर से कर दीजिए। तो अब ये बैलेंस शो हो रहा है। तो अकाउंट पेबल का बैलेंस अब कितना शो हो रहा है, 10,000। पहले इसका बैलेंस कुछ और था, ठीक है। पहले इसका बैलेंस 20,000 था और अब इसका बैलेंस कितना शो हो रहा है, 10,000। इसी तरीके से बैंक का जो पहले बैलेंस था वो कितना था, 40,000। 40,000 में से 10,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो बैलेंस कितना रहना चाहिए इसका, 30,000। तो ये जो है वो इस वक्त आपका जर्नल लेजर हो गया, जिसका लेजर आप देखना चाहते हैं। जैसे ये कैश का लेजर है, ये कैश का लेजर, कैश कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ ये सब बता रहा है आपको। और इस वक्त उसका बैलेंस कितना है, ये उसका बैलेंस है 4 लाख, ठीक है। ये तमाम चीज़ों के बैलेंसेज हैं। अब ये बहुत मिक्स सारे बैलेंसेस हैं, अगर हमें इसमें से सिलेक्टेड कुछ बैलेंसेस चाहिए, यानी फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ कैश का बैलेंस देखना है, मुझे सिर्फ बैंक का बैलेंस देखना है, तो क्या करना है। तो आप आइए इसके लिए एनालाइज पे, पहले टेबल पर रहिएगा, अपने टेबल पर रहना ज़रूरी है, टेबल के बाहर जाएंगे वो चीज़ें ख़त्म, ठीक है। टेबल पर आ जाइए, टेबल पर आने के बाद यहाँ एनालाइज पे आए, एनालाइज पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर पर क्लिक कीजिए। वो पूछता है आपको क्या चाहिए, मैंने कहा मुझे सिर्फ अकाउंट टाइटल चाहिए स्लाइसर में, ओके कर दीजिए। अच्छा, इसे उठाकर साइड पर रख दीजिए। अब ये स्लाइसर क्या करता है, अच्छा थोड़ा सा मैं इस पर और काम कर दूँ, पेज लेआउट पे आता हूँ और ये जो साइड पे बॉर्डर्स आ रहे थे मैंने उन्हें हटा दिया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। ये स्लाइसर है, स्लाइसर मुझे ये शो कर रहा है कि मुझे सिर्फ यहाँ पर अकाउंट्स पेबल का रिकॉर्ड चेक करना है। तो अगर आपको सिर्फ अकाउंट्स पेबल का रिकॉर्ड चेक करना है तो आप अकाउंट पेबल सेलेक्ट कीजिए। अच्छा, मुझे सिर्फ कैश का रिकॉर्ड चाहिए, ये कैश का लेजर उसने निकाल कर दिया, कैश कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना बैलेंस है। मुझे सिर्फ बैंक का रिकॉर्ड चाहिए, ये बैंक का रिकॉर्ड बता दिया उसने आपको, ठीक है, कि बैंक डेबिट कितना हुआ, क्रेडिट हुआ। अच्छा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दे रहा है कि बैंक डेबिट क्यों हुआ, कैश डिपॉजिट इन टू बैंक, बैंक क्रेडिट क्यों हुआ, चेक इशू टू सप्लायर, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो बैंक का लेजर शो। अब अगर आपको इसको फॉर्मेट करना है स्लाइसर को, तो इसको भी आप बिल्कुल फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ पर इसके पास तरीक़ेकार मौजूद हैं, कैसा आप स्लाइसर चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं या ऐसा चाहिए, ब्लू थीम है हमारे तो ब्लू कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर लगेगा हमारा। तो वो आपको बता रहा है कि इस वक्त जो आपने सेलेक्ट किया हुआ बैंक सेलेक्ट किया हुआ, कैश सेलेक्ट करेंगे तो कैश सेलेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर ये है मल्टी सेलेक्ट, यानी एक साथ दो लेजर देखने हैं आपको, तो इसको सेलेक्ट कीजिए और मैं कहता हूँ कैश और बैंक का लेजर दिखा दो, तो वो इस वक्त आपको बैंक और कैश दोनों का लेजर दिखा देगा। इसे डी सेलेक्ट कर दीजिए तो एक वक्त में फिर एक ही लेजर शो करेगा, ठीक है, सिर्फ कैश का, सिर्फ बैंक का, ठीक। तो ये था आपके पास जर्नल लेजर। और अगर मैं इसको हटा दूं, चेक हटा दूं, तो सारे लेजर शो करेगा इस वक्त, ठीक है। तो अभी वो आपको बता रहा है कि आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 किस्म के लेजर्स हैं वो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, इसके अलावा आपने फ़िलहाल कोई और लेजर नहीं बनाया, ठीक। उम्मीद है कि आपको लेजर जो है वो समझ में आया होगा। इसकी फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से जैसे आपको मुनासिब लगे, फॉर्मेटिंग आपके हाथ में, काम करवाना मेरा काम है लेकिन फॉर्मेटिंग करना आपका काम है। जैसे आपको अच्छा लगता है, खूबसूरत प्यारा लगता है, आप इसे खूबसूरत और प्यारा बना सकते हैं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम इंशाल्लाह इनकम स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।